हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भाग दो से है। दोस्तों भाग वन हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में हमने 56 तक समझ लिए थे दोस्तों। अब 56 से आगे जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसको आज इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे और साथ साथ में याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इधर संशोधन लिखेंगे, इधर बस लिखेंगे और इधर हम उसकी विशेषताएं लिख लेंगे दोस्तों। तो इधर सबसे पहले 56 के बाद में दोस्तों हमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में 61वां संविधान संशोधन मिलता है देखने को। कौन सा दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन। और ये 61वां संविधान संशोधन जो होता है ये हमारा 1989 ईस्वी में हो जाता है। और इसके तहत दोस्तों जो मतदाता की आयु थी, ठीक है, उसको घटा दिया गया था। मतदाता की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि मतदाता की आयु घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यानी दोस्तों जब ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो मतदान करने का अधिकार हमें कब मिलता था? 21 वर्ष की उम्र में। लेकिन ये 61वें संविधान संशोधन के तहत ये 21 वर्ष से हटा करके दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो वर्तमान में हमें मत देने का अधिकार कितने वर्ष में मिल जाता है दोस्तों? 18 वर्ष में मिल जाता है। कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में दोस्तों हमें अगला देखने को मिलता है हमारा 69वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन। अभी 69वां संविधान संशोधन हमारा हो जाता है 1991 में होता है जाकर। कितने में होता है दोस्तों? 1991 में। तो दोस्तों इसके तहत जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है, इसको देश की राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी दर्जा प्रदान किया गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदान किया गया था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली को राजधानी का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला? तो 69वें संविधान संशोधन के तहत। अब कब हुआ? तो 1991 में हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह भी याद हो गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले रूप में हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन। अभी 71वां संविधान संशोधन जो होता है दोस्तों ये हमारा हो जाता है 1992 में। कब होता है दोस्तों? 1992 में। अब इसके तहत 8वीं अनुसूची, दोस्तों हमारा अनुसूची में हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था जो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। और उसमें क्या, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों जब 14 भाषाएं थी, चलिए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। तो 14 भाषाएं जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें थी। तो एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1967 में। कब हुआ था दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। और इसके तहत पहली भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी। तो 14 में एक जोड़ दिया हमने सिंधी को, ठीक है दोस्तों। फिर हो जाता है हमारा अगला संविधान संशोधन 71वां, ठीक है। अब ये अनुसूची 8वीं में होता है जाकर के, ठीक है। तो इस 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में होता है उसमें तीन भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। वो तीन भाषाएं हमारी नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी को, ठीक है दोस्तों। तो तीन भाषाओं को उसमें जोड़ दिया गया था। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, इसमें 8वीं अनुसूची में तीन भाषाएं कौन कौन सी दोस्तों? कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा जाता है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो तीन जोड़ दी। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा अगला संविधान संशोधन हो जाता है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। यहीं पे पढ़ ले रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
52वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों हमारा हो जाता है 2003 में। कब होता है दोस्तों? 2003 में होता है जाकर। अब इसमें आठवीं अनुसूची में ही चार भाषाओं को और जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत आठवीं अनुसूची में चार भाषाएं और जोड़ दी गई, चार भाषाएं। अब वो चार भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो आप याद कर सकते हो बॉर्ड मास से। किससे याद कर सकते हो दोस्तों? बॉर्ड मास से। अब ये बॉर्ड मास से जैसे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मासे मैथिली हो गया, और ऐसे संथाली हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी को, और फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन हो जाता 1992 में, तो तीन को जो मतलब तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी। फिर बाद में ये जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हो जाता है, ये आठवीं अनुसूची में चार भाषाएं जोड़ दी गई बॉर्ड मास से। आप उसको याद रख सकते हैं, तो बा से बोडो, डा से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ठीक है, चार भाषाओं को और जोड़ दिया जाता है, तो टोटल जोड़ करके भारतीय संविधान में वर्तमान में आठवीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से जो संबंधित है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब इसको हम दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन जो होता है 1989 ईस्वी में हो जाता है, और इसमें मतदाता की आयु को घटा दिया जाता है। पहले जब ये 61वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो पहले मतदान करने का अधिकार हमें 21 साल की उम्र में मिलता था, लेकिन वर्तमान में कब मिलता है? 18 साल की उम्र में। तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत ही हमें मत देने का अधिकार मिलता है 18 साल की उम्र में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हो जाता है, और इसमें दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तुम्हारा 71वां संविधान संशोधन। अभी 71वां संविधान संशोधन जो है ये 61वां था, ये 71वां, तो दोस्तों ये हो जाता है तुम्हारा 1992 ईस्वी में। अब ये 1992 ईस्वी में जब 71वां संविधान संशोधन होता है तो ये आठवीं अनुसूची में तीन भाषाओं को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। ठीक है दोस्तों, फिर 92वां संविधान संशोधन जो हमारा 2003 में हो जाता है, इसके में आठवीं अनुसूची में चार भाषाओं को और जोड़ा जाता है, वो आप बॉर्ड मास से याद रख सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो रहा होगा। फिर अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में हमारा 73वां देखने को मिलता है हमें, 73वां। अब ये 73वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा हो जाता है 1992-93। अब ये दो डेटें क्यों लिखी है दोस्तों? क्योंकि कई कई किताबों में हमारा कहीं 92 भी लिखा हुआ होता है और 93 भी लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये दोनों याद रखिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पहली बात तो इसमें भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? 11वीं अनुसूची। तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें 11वीं संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब ये 11वीं अनुसूची जो है ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो वर्तमान में इसमें 29 विषय हैं। वर्तमान में कितने दोस्तों विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और फिर इसी इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, और ये भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से लेकर के अनुच्छेद 243 रात तक हमें देखने को मिलता है। कहां तक दोस्तों, पहली बात तो भाग 9 जोड़ा गया, और ये भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से लेकर के 243 अड़ा तक देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 73वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 73 के बाद जो है वो हम 74वां संविधान संशोधन भी साथ में समझ लेते हैं, क्यों 74वां भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है ना। तो 74वां संविधान संशोधन जो है हमारा ये हो जाता है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो जाता है दोस्तों हमारा 1993 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों, 1993 ईस्वी में। अब ये 74वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है दोस्तों, 12वीं अनुसूची 1993 में भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, और ये 12वीं अनुसूची में वर्तमान में हमारे 18 विषय हैं। कितने हैं दोस्तों, 18 विषय हैं। ये 12वीं अनुसूची जो है ये हमारे इसमें नगर निगम और नगर परिषद और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, से संबंधित प्रावधान किए गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब 74वें संविधान संशोधन के तहत जो 1993 में हुआ था इसमें भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची में वर्तमान में 18 विषय हैं, और ये 12वीं अनुसूची जो है ये हमारे नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित है, यानी कि इनके प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और ये 18 विषय जो है ये नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक नोट पॉइंट और याद रखना है, ठीक है, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था नोट में, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये हमारा 25 अप्रैल 1993 को हुआ था, जबकि ये 74वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा हो जाता है 1 जून को 1993 ईस्वी को होता है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है क्योंकि मिलते जुलते हैं, है ना। तो आप ये इस 71वें संविधान संशोधन को और 92वें संविधान संशोधन को एक साथ जोड़ के आप याद कर सकते हैं, दोनों 8वीं अनुसूची में चेंजेस हो रही है ना, और इसको आप अलग याद कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उल्टा से, है ना, 6 का उल्टा क्या होता है 9, 9 का उल्टा क्या होता है 6, तो आप इसको उल्टे फुलटे से भी याद रख सकते हैं, उल्टा फुलटा संविधान, है ना। तो 69वां कई मित्र याद नहीं रख पाते हैं, तो उल्टा फुलटा संविधान संशोधन जिसमें दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। अब फिर 71वें संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, अब इसको 8वीं अनुसूची में चेंजेस की गई है, और 73वें और 74वें को एक साथ में याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें लंबे समय तक याद रखना है। अब
वैसे तो याद हो रहा होगा लेकिन लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे, ठीक है, आप इसको जोड़ के याद कीजिए, 100% लंबे समय तक आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन को भी एक नजर में दोहरा लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हो जाता है, इसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची में कितने वर्तमान में 29 विषय है और ये किससे संबंधित है, पंचायती व्यवस्था से संबंधित है और इसमें पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। और ये इसमें इस संविधान संशोधन के तहत ही भाग 9 को जोड़ा गया और ये भाग 9 जो है ये हमारा अनुच्छेद 247 से 247 का से लेकर के 247 अड़ा तक देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है इसमें। फिर अगला है 74वां संविधान संशोधन, ये तुरंत ये 1993 में हो जाता है ना, और ये 61 वाला आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, ठीक है, मतदाता की आयु को घटा दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। फिर 74वां संविधान संशोधन ये 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में, और ये 12वीं अनुसूची में वर्तमान में 18 विषय हैं और ये नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो रहा होगा। फिर दोस्तों आपको ये नोट पॉइंट में और याद रखना है, और 74वें संविधान संशोधन में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें भाग 9 का को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में भाग 9 का को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आप 74वां संविधान संशोधन लगा के आएंगे, है ना, जो 1993 में हुआ था, और आप इसकी डेट याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन हो जाता है आपको 25 अप्रैल 1993 को, और 74वां संविधान संशोधन जो होता है वो तुम्हारा 1 जून 1993 को होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट जो बचे हुए हैं हम उसको भी याद कर लेते हैं। चलिए दोस्तों कुछ बचे हुए संशोधनों को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट संविधान महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में हमें देखने को मिलता है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन, ये 84वां संविधान संशोधन हमारा हो जाता है 2001 में। कब होता है दोस्तों? 2001 में, और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक क्या कर दिया गया दोस्तों? निश्चित कर दिया गया। तो ना तो इसमें सीटें बढ़ेंगी ना ही घटेंगी। तो लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक निश्चित कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला संविधान संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन। अब ये 86वां संविधान संशोधन जो है ये दोस्तों हमारा हो जाता है 2002 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन हमारा 2002 ईस्वी में हो जाता है। अब इस 86वें संविधान संशोधन में दो तीन बातें याद रखनी है दोस्तों। अब हमने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था अनुच्छेद 21A, ठीक है, इस अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी बच्चों का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अनुच्छेद 21A जो है ये हमारा 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 21A इसमें 6 से 14 तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बस बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों
फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत एक दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हमने आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे 86वें संविधान संशोधन में हमें याद रखना है। तो अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन के तहत हमें एक बात और याद रखनी है, जो अनुच्छेद 51 ए है, ठीक है, अनुच्छेद 51 ए में हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जो है, ठीक है, वो भी हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं, ये माता पिता का ये कर्तव्य होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा। तो अनुच्छेद 51 का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 86 के बाद 91वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। इस 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से नहीं हो सकती, से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों ये 91वें संविधान संशोधन है जो 2003 में हो जाता है, इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य हैं उनका 15% ही मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा और इससे ज्यादा नहीं बनाया जाएगा, ये बात कही गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर अगले संविधान संशोधन के रूप में पढ़ते हैं हमारा 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। और ये 100वां संविधान संशोधन हमारा हो जाता है हमारा 2015 में, और ये 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में होता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें 111 गांव बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश से 51 गांव भारत में सम्मिलित किए गए थे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। फिर अगला एक हमारा बचता है, ये 101वां संविधान संशोधन। ये 101वां संविधान संशोधन जो होता है, ये दोस्तों हमारा हो जाता है 2017 में। कब होता है दोस्तों? 2017 में। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर
को लागू कर दिया गया था, को लागू किया गया। यानी कि दोस्तों 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो 2017 में हुआ, और इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू की गई? तो 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। ठीक है, आप दोस्तों ये डेटें जरूर याद कर, मतलब वर्ष जरूर आप याद रखिएगा। और इसे पहले हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन की डेट बताई, आप उसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये जीएसटी जो है, ये 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। 84वें संविधान संशोधन जो 2001 में हो जाता है, इसमें लोकसभा विधानसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया था 2026 तक। ठीक है, कर दिया गया है। फिर 86वें संविधान संशोधन में तीन बातें याद रखनी, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 काम में क्या जोड़ा गया था, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? हमारा 86वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 91वां संविधान संशोधन में याद रखना है, 2003 में हुआ, उसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब कुल सदस्यों का लोकसभा और विधानसभा के। फिर नेक्स्ट तुम्हारा 100वां संविधान संशोधन, ये हो जाता तुम्हारा 2015 में, और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। फिर अगला है तुम्हारा 101वां संविधान संशोधन से, और ये तुम्हारा हो जाता है 2017 में, और इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। और ये जीएसटी हमारी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।